अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सुशांत राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिविटी। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, बहुत ही ज्यादा मजे में होंगे। तो गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप तक पहुंचती रहें। तो गाइस, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप विदाउट इन्वेस्टमेंट अपना किस तरह से बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। आपने जो थंबनेल देखा है, आपने जो थंबनेल पर डिस्क्रिप्शन देखी है, वो बिल्कुल करेक्ट है। आज जो मैं आपको मेथड बताऊंगा, उसमें आपको आपका अपना खुद का बिजनेस होगा, अपनी पसंद की जगह होगी, अपनी मर्जी की जगह होगी, चाहे आप कोई किसी भी तरह के कपड़े पहनकर आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, घर में बैठकर करना चाहते हैं या बाहर बैठकर करना चाहते हैं, जहाँ पे मर्जी बैठकर करना चाहते हैं आप बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। और आपको आप कम से कम जो मैं एस्टिमेशन आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसको अच्छा प्रॉपर टाइम दोगे, स्किल्स यूज़ करोगे, तो आप एक दिन का 20-25 हज़ार रुपये आसानी के साथ निकाल सकते हो। और उस बिजनेस में आपको हायरिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, उस बिजनेस में आपको इन्वेस्टमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसके लिए आपने इस वीडियो को कम्प्लीट देखना, मैं कम्प्लीट आपको मेथड बताऊँगा कि आप किस तरह से इस बिजनेस को करेंगे और किस तरह से आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब आप रहे होंगे कि जी हमने तो पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, तो हमारा बिजनेस कैसे शुरू होगा, तो वो मैं चीज आपको कंप्लीट बताऊंगा। लेकिन इस तरह की वीडियोस के लिए और मजीद और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अगर आप चाहते हैं तो इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे कि आप ऑनलाइन घर में अर्निंग किस तरह से कर सकते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहे बिना किसी दिक्कत के। तो चलिए गाइस, हम वीडियो की तरफ चलते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से घर में बैठकर अर्निंग कर सकते हो। अगर तो आपका फेसबुक अकाउंट बना हुआ है, ऑलमोस्ट हर बंदे का बना होता है, तो आपने फेसबुक अकाउंट पे अपने जाना है, ठीक है। फेसबुक अकाउंट पे जाने के बाद आपको यहाँ पर एक चीज नजर आ रही होगी, यहाँ पर अगर आप मोबाइल में ओपन करेंगे तो मोबाइल में आपको सेटिंग में जाएंगे, जब आप अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर होती है वहां पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे इस तरह के ऑप्शन दिखेंगे। तो जो मार्केट प्लेस वाला होगा ना, वहाँ पर आपने क्या कर देना, इसको क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। अब देखें कैसे ये चीज़ें वर्क करती हैं, मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। आपने जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है। वीडियो शॉर्ट भी होगी, आप लोग परेशान ना हो, कुछ वीडियोज थोड़ी सी लंबी हो जाती हैं, वो इसलिए होती हैं ताकि उसमें आपको डिटेल बताई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे अगर आए तो ये बंदा ये कितने का बिच रहा है, ठीक है, 5500 का, 5500 का, ठीक है। और ये किस तरह कितने का बेच रहा है, 1800 रुपए का, ठीक है। अब थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो ये कितने का बेच रहा है, 28500 का, ठीक है। ये सारी चीज़ें सेल आउट हो रही हैं। अब थोड़ा सा अगर आप मैं नीचे बताऊं, नीचे दिखाऊं आपको, तो यहाँ पर कैटेगरीज आपको नजर आ रही हैं। व्हीकल्स को अगर हम टारगेट करते हैं तो व्हीकल्स यानी कि गाड़ियाँ जो होती हैं उसकी आपको कैटेगरीज और उसकी जो बेचने की प्राइस वगैरह सब आपको नजर आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे हम अर्निंग कैसे करेंगे, इसमें हमारा क्या फ़ायदा, तो मैं आपको फ़ायदा ही बताने लगा हूँ, आप लोग परेशान ना हो। पहले मैं आपको चीज़ें बता दूँ कि जो चीज़ें यहाँ पर सेल आउट हो रही हैं, आपका जीरो इन्वेस्टमेंट होगी, किसी भी तरह की आपको परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्लॉथिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें, ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर क्लॉथिंग वगैरह पर देखें तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि कितनी चीज़ें यहाँ पर सेल आउट हो रही हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं सेकेंड हैंड चीज़ें होती हैं और कुछ होती हैं जो नई होती हैं, न्यू होती हैं, वो चीज़ें यहाँ पर सेल आउट हो रही हैं, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आए जहाँ पर सारी चीज़ें आपको नजर आएंगी। ये जो फ्री लिखा होता है ना, इसका मतलब कतन नहीं होता कि ये वो चीज़ें फ्री होती हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि आप उनके साथ प्राइस नेगोशिएट करो, यानी कि बातचीत करके, बहस मुबाहसा करके फिर आप उनसे चीज़ें खरीदो, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाएं, यहाँ पर अगर पेट सप्लाईज है, ऑफिस सप्लाईज है, यहाँ पर ऑफिस सप्लाईज पे क्लिक करके देखते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये देखें 3 लाख रुपए में ये सारे का सारा सेट आपको मिल रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने यहाँ से अर्निंग कैसे करनी है। ट्रिक्स को आपने सिर्फ एक ट्रिक नहीं मैं बताऊंगा आपको, मैं मल्टीपल ट्रिक्स बताऊंगा। अगर आप एक ट्रिक को सुन के आप चले जाएंगे तो हो सकता है वो आपके लिए वर्क ना करे, हो सकता है दूसरी या तीसरी जो ट्रिक मैं बताऊँ वो आपके लिए वर्क करे, तो आपने एक वीडियो को कम्प्लीट देखा है। अब देखें मैं ना आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये आपने अपना पैसा बिल्कुल भी नहीं लगाना, आपने इनके पैसे पर खेलना है, इनके पैसे के साथ खेला। मैं आपको एक चीज़ छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, फूड पैंडा को आप देख लें, फूड पैंडा जो है उसका अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट एक रुपया भी नहीं है, वो दूसरे मार्केट से चीज़ें उठाता है, मार्केट में बेच देता है और उससे अपनी अर्निंग भी करता है, अपने एम्प्लॉयज़ को भी उनकी सैलरी देता है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं,
ये सारी की सारी चीजें सेल आउट हो रही है। अब आपने फर्स्टली आपने क्या करना है और सेकंडली आपने क्या करना है, थर्ड पे आपने क्या करना है, वो तीनों चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, किन किन चीजों को आपने टारगेट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जहां पर एक ऑर्डर से आपको कम से कम 20-25 हजार रुपए आसानी के साथ मिल सकता है वो मैं चीजें बताता हूँ। आपने क्या करना, अगर आप किसी भी सिटी से ताल्लुक रखते हैं, आपने क्या करना उस सिटी में जो फर्नीचर वाले हैं ना, जो जहेज के लिए फर्नीचर देते हैं, आपने उनके साथ जाकर बात करनी है। उनको ये नहीं बोलना कि जी मैं नया नया काम करने लगा हूँ तो लिहाजा मुझे ना आपके हेल्प की जरूरत है। आपने उनको कहना है कि मैं ऑनलाइन सेलिंग करता हूँ तो लिहाजा आपकी जितनी भी चीज़ें हैं ना, आप उनकी मुझे तस्वीरें लेने दें, उसके बाद आप मुझे उसकी प्राइस बताएं, फिर मैं आपको कस्टमर ला कर दूंगा। अब आपने क्या करना, उससे तस्वीरें ले लेनी है। तस्वीरें लेने के बाद आपने क्या करना, उसको फेसबुक पर यानी कि मार्केट प्लेस पर चढ़ा देनी, इस तरह से जैसे इन लोगों ने चढ़ाई हुई है। ठीक है, इस तरह से चढ़ा देना, उससे नेगोशिएट करना कि आप मुझे प्राइस क्या देंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर वो बंदा उस सोफा सेट को या एक पूरे जहेज के पैकेज को वो बेच रहा है 1,60,000 रुपए में, ठीक है, मतलब हर कस्टमर को 1,60,000 रुपए में दे रहा है, आप उसके साथ बातचीत करते हो कि सर मुझे आप लेस प्राइस में दें ताकि मैं कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकूं, उनके साथ बातचीत करके फिर आप तक कस्टमर्स ला सकूं और मैं डिफरेंट शहरों से आपके लिए कस्टमर्स लेकर आऊंगा, तो वो आपको कहेंगे कि जी 1,55,000 रुपये मैं आपके लिए कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा इतना कर सकता हूँ, इससे कम नहीं कर सकता, 5,000 कम कर देगा या 10,000 कम कर देगा। अब आपने क्या करना है, मैं आपको चीज़ बताता हूँ, आपने लिस्ट करना है। लिस्ट करना इस तरह से है कि आपने उसकी प्राइस बतानी है कि मैं अगर मिसाल के तौर पर वो कस्टमर को 1,65,000 रुपये में दे रहा है ना, तो आप और आपको वो ऑफर कर रहा है 1,55,000 रुपये, तो आपने क्या करना, उसको 1,65,000 की बजाय 1,70,000 रुपये का लिस्ट कर देना है। अब मैं इसकी ट्रिक बता देता हूँ कि इसके पीछे रीज़न क्या है। अब जब भी कस्टमर आपसे रब्ता करेंगे ना, उसको डिज़ाइन पसंद आएगा, डिज़ाइन हमेशा आपने अमेजिंग तरह का ही लगाना है, जिस तरह से ये लगा हुआ है, अमेजिंग तरह का डिज़ाइन लगा कि कस्टमर आपसे रब्ता करेगा, आपसे पूछेगा कि ये आप कितने का बेचना चाहते हो, तो आपने कहना है मैं 1,70,000 रुपये में बेचना चाहता हूँ। अब वो 5-10 हज़ार रुपये कम करेगा, मतलब ये आप थोड़ा सा कॉपरेट करें, इस तरह से करें, तो आपने कहना है मतलब आपने कोशिश करनी है 1,65,000 तक वो मान जाए, ताकि 10-12 हज़ार रुपये कम से कम आपको प्रॉफिट वहाँ से मिल जाए। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि वो तो डायरेक्ट जाएगा दुकानदार के पास, दुकानदार के पास जाएगा वहाँ से खरीदेगा, या मैं उसको कहाँ से दूंगा इसके लिए, तो मुझे वहाँ से परचेज करना पड़ेगा, फिर मैं उसको दूंगा तो मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। तो दोस्तों सब थोड़ा सा मतलब इंतज़ार कीजिए, मैं आपको वो भी बताता हूँ कि आपने किस तरह से अर्निंग लेनी है। आपने क्या करना है, आपने उस कस्टमर की सारी डिटेल लेनी है, मतलब उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस वगैरह, ठीक है, उससे पूछना है कि वो ऑनलाइन डिलीवरी चाहता है या वो वहाँ पर जाकर खरीदना चाहता है। अगर वो कहना है मुझे ऑनलाइन डिलीवरी चाहिए, तो आपने दुकानदार से रब्ता करना, उससे पूछना है कि आप ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं कि नहीं। अगर वो कहता है कि नहीं करते, तो आपने दुकानदार से बात करनी, उससे ये कहना है कि सर मैंने कस्टमर अपने को डील कर लिया और इतनी प्राइस में डील किया है, तो लिहाजा जो इसके अबव जितना भी प्रॉफिट होगा वो आपने मुझे भेज देना। अब आप कहेंगे कि जी वो इतना ईमानदार तो नहीं होते, तो सर मैं आपको बता दूं, ये जेन्युइनली मैंने खुद भी अर्निंग की हुई है इस तरह से, तो मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ। लोग हर बंदा इस तरह से नहीं होता फ्रॉड, या जो बिजनेसमैन होता है ना वो इस तरह से फ्रॉड नहीं करता, क्योंकि उसको पता है फिर एक दफ़ा मेरे पास कस्टमर आएगा दोबारा नहीं आएगा, तो लिहाजा आपने इस तरह से करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इस तरह से अपनी शॉप किस तरह से ओपन करनी। एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि आप डायरेक्ट इस तरह से जाएंगे, दूसरा ये है कि आपने यहीं से क्लिक करना है, यहाँ से अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आता है, मिसाल के तौर पर मुझे ये डिज़ाइन पसंद आता है, अब मैं क्या करता हूँ इसके साथ कॉन्टैक्ट करता हूँ, यहाँ पर मैसेज पर जाकर यहाँ पर इसे कॉन्टैक्ट करता हूँ और इसे कहता हूँ कि जी मुझे, मैं रीसेलर हूँ। रीसेलर का मतलब ये होता है कि मैं तो आपकी चीज़ को मैं खुद बेचूंगा, यानी कि आप भी बेच रहे हैं ना, तो मैं आपकी चीज़ को दोबारा बेचूंगा ताकि और उसके मैं यहाँ से अपना प्रॉफिट अर्न करूंगा, तो लिहाजा आप मुझे होलसेल प्राइस क्या देंगे। आपने ये नहीं कहना कि मुझे प्राइस बताएं, आपने कहना मुझे होलसेल प्राइस बताएं, क्योंकि ये एक ना हिंट होता है, जो बिजनेस करते हैं ना उनको उनके माइंड में फौरी चीज़ चली जाती है कि ये बंदा बिजनेस करता है, ऑलरेडी काम करता है, इसको पता है कि होलसेल प्राइस मैंने लेनी है, तो होलसेल प्राइस आपने पूछनी है, तो वो आपको यहाँ पर 25,000 रुपये बताएगा, तो सॉरी 25,000 2,80,000 बता दे, 85,000 बता दे या 90,000 बता दे, तो जितना ये अच्छा ज़बरदस्त सेट है आप इसको 3.5 लाख रुपए में लिस्ट करें, तो आपका कम से कम 3,20,000-25,000 रुपए में ऐसी चुटकियों में बिकेगा जितना ये ज़बरदस्त डिज़ाइन है। तो आप अंदाजा करें एक ऑर्डर पे आपको कितना मिल रहा है,
अंदाजा करें ना, 20-25 हज़ार रुपये स्कूल से मिल रहा है। अब हम क्या करते हैं, मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ कि आपने लिस्ट अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट कैसे करना है। यहाँ पे आपने इस तस्वीर को क्या कर दिया, सेव कर दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे इस पे जाते हैं, इसको भी आपने क्या कर लेना है, सेव कर लेना है, ठीक है। सेव इमेजेस, यहाँ पर जाकर आपने इसको भी सेव कर लेना है, ठीक है। 3-4 इमेजेस हम सेव करते हैं, उसके बाद मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ कि आपने यहाँ पर अपनी सेलिंग किस तरह से करनी है। तो ये आप तरीका तैयार करेंगे तो आप दिन का 20-25 हज़ार रुपये कमा सकते हो। और जब आप, और हमेशा चीज़ें आपने वही सिलेक्ट करनी है जिससे आपको जो मतलब थोड़ी सी बड़ी हो साइज में, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे सोफा, जैसे कि आप ले लेंगे जहेज पैकेज है, जिसका जो फर्नीचर होता है वो पूरा का पूरा सेट होता है, उसका वो एक कंप्लीट बड़ी चीज़ होती है। तो उसमें चांसेस होते हैं आपको 25 से 30 हज़ार रुपये एक ऑर्डर में बचने के, ठीक है। तो वो आपने टारगेट करनी है, और बड़ी चीज़ें टारगेट करनी है, छोटी चीज़ें टारगेट करेंगे तो वहाँ से भी आपको अर्निंग आ जाएगी, लेकिन वहाँ से आपको अर्निंग 500 हज़ार 600 इतनी अर्निंग आएगी, ठीक है। अगर आप बड़ी अर्निंग करना चाहते हो तो आपने इस तरह की चीज़ों को टारगेट करना, ठीक है। तो हमने इमेजेस सेव कर लेते, मैं आपको बता देता हूँ कि आपने भी सेम इसी तरह से किस तरह से लिस्ट करना। लोग इससे रابطہ करते हैं, और पता नहीं दिन में कितने ही लोग इनके साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपने बैक आना है, बैक आने के बाद यहाँ पर लिखा होगा वांट टू सेल, तो वहां पर आपने जाना है, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कहाँ पे शोर है, यहाँ पर ऊपर जाते हैं थोड़ा सा, क्रिएट न्यू लिस्टिंग, यहाँ पर जाएंगे। अगर मोबाइल पे आप देखेंगे तो मोबाइल पे आप वांट टू सेल यहाँ पर ऊपर की साइड पर आपको नजर आएगा, तो यहाँ पर क्रिएट न्यू लिस्टिंग हम क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आइटम फॉर सेल है, व्हीकल फॉर सेल है, या प्रॉपर्टी फॉर सेल है, तो हम आइटम फॉर सेल कहते हैं कि हमारी चीज़ जो है वो आइटम है, तो वो बेचने के लिए, यानी कि ना तो वो प्रॉपर्टी में आती है ना ही वो गाड़ियों में आती है, तो यानी कि वो एक चीज़ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी पिक्स ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर पिक्स ऐड करते हैं, यहाँ पर डेस्कटॉप पर जाते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पर हमने कौन सी इमेजेस सेव की थी, सॉरी डेस्कटॉप पे की थी, तो डेस्कटॉप पे जाते हैं, यहाँ पर ये इमेज हमने सेव कर दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड इमेज, यहाँ पर हम गए, यहाँ पर हमने सेकंड इमेज भी अपलोड कर दिया, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि जिसका लुक ज़बरदस्त आता है ना, वो फ्रंट पे होनी चाहिए हमारी इमेज, ठीक है। इसका लुक ज़बरदस्त आता है तो ये फ्रंट भी होनी चाहिए, बाकी जो इमेजेस हैं वो सेकेंडरी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि कस्टमर को देखते ही वो चीज़ पसंद आ जाए कि यार वाकई इस चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है इस चीज़ में। तो ये चीज़ें आपने इस तरह से पिक्चर ज़्यादा से ज़्यादा आपने हर एंगल से तस्वीरें लेनी है और उसको अपलोड करना है, ठीक है। जीरो इन्वेस्टमेंट है आपकी, एक रुपया भी नहीं लगेगा, और आप अपनी अर्निंग जो है वो इजी पैसा जैस का जैस बैंक अकाउंट जिस तरह से भी चाहें वो कर सकते हो। अब टाइटल आपने यहाँ पर देना, टाइटल आप दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोफा सेट बेच रहे हो, या आप यहाँ पर बेच रहे हो अपना ऑफिस सेटअप, ठीक है, सेटअप, यहाँ पर आपने ऑफिस सेटअप बेचना है, कितने का बेचना, वो आपको 3 लाख रुपए में, या 2,95,000 या 2,90,000 में बेच रहा है, तो आपने यहाँ पर उसको 3.5 लाख में लिस्ट कर देना है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार वो भी उतने का सेल कर रहा है तो कस्टमर उसके पास जाएंगे तो मुझे शिकायत करेंगे, तो हर कस्टमर उसके पास नहीं जाएगा, कुछ कस्टमर अगर आपके पास भी आएंगे, आपने लोकेशन चेंज कर लेनी है। अब उसने लोकेशन इस्लामाबाद की डाली हुई ना, तो आपने लोकेशन चेंज करके लाहौर की या फैसलाबाद की या कोई भी वो मतलब सेलेक्ट कर देनी है ताकि वो कस्टमर्स आपके पास ना आए। यहाँ पर फर्नीचर पे हम क्लिक कर देते हैं, कैटेगरी पे, उसके बाद कंडीशन कौन सी है, अगर तो न्यू है उससे आपने पूछ लेना कि न्यू है या ओल्ड है, अगर वो ओल्ड कहता है तो ओल्ड पे क्लिक कर लेना, अगर न्यू है तो न्यू पे क्लिक कर देना, ठीक है। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन देनी है, आपने बताना है, आपने उस बंदे से सेलर से पूछना जो सेलिंग कर रहा है, सेलिंग कर रहा है ना, तो उससे पूछना है आपने कि आप ये मतलब इसकी डायमेंशन क्या है, इसके इस चीज़ के बारे में डिटेल बता दें, जो डिटेल वो बताएगा वो आपने यहाँ पर लिस्ट कर देनी, यहाँ पर लिख देनी डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद अवेलेबिलिटी है, लिस्ट एज इन स्टॉक, अगर आप स्टॉक में, अगर उसके पास ये चीज़ें स्टॉक में पड़ी हैं, मतलब 20-25 ऑर्डर उसके पास आते हैं, तो आपने लिस्ट स्टॉक में कर देनी है। अगर आपने सिर्फ एक एक करके बेचनी तो लिस्ट एज सिंगल कर देना, ठीक है। अब बेड साइज आपने बता देना है कि साइज इसका क्या है, स्मॉल है या कौन सा है, तो आपने वो साइज यहाँ पर लिख देना, ठीक है। सुपर किंग साइज है, किंग साइज है गालिबन, तो यहाँ पर आपने किंग साइज आपने लिख देना, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर कलर कौन सा है, कलर ब्लैक है, कलर ब्लैक दे देते हैं, ठीक है, BLAC के ब्लैक कलर है। उसके बाद ब्रांड कौन सा है, ब्रांड आपने जो कंपनी का नाम होगा वहाँ पर वो दे देना, ठीक है।
उसके बाद प्रोडक्ट्स टैग टैग्स दे देने आपने। टैग्स वो होते हैं जिन लोग सर्च करते हैं तो वो सर्च में चीज आती है। यहाँ पर हम ऐड करते हैं कौन कौन से टैग हमने ऐड करने हैं, फॉर एग्जांपल ऑफिस सप्लाईज, ठीक है, SUBBLIES, ठीक है, ऑफिस सप्लाईज क्लिक कर दिया, ये ऐड हो गया। उसके बाद आप लिख सकते हो फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, ठीक है, लोग इस तरह से ही सर्च करते हैं FURNITURE, ठीक है, ऑफिस फर्नीचर। इस तरह से आपने सिलेक्ट करके कैटेगरीज, जो जितनी भी ऑफिस के रिलेटेड चीजें होती है वो सारी की सारी कैटेगरीज आपने सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने स्टॉक कीपिंग यूनिट, कौन कितने यूनिट आप सेल करना चाहते हो, लिमिट है 20 की, तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि मेरे पास 10 यूनिट है या 20 यूनिट बेचना चाहता हूँ। यहाँ पर लोकेशन आपने चेंज कर लेनी है, लोकेशन आप यहाँ पर इस्लामाबाद की जगह पे फैसलाबाद लिख दें या लाहौर लिख दें, ठीक है, तो उसका फायदा ये होगा आप क्योंकि वहाँ के जो कस्टमर होंगे वो आपको अप्रोच नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जो इस्लामाबाद में ऑलरेडी उसके साथ अटैच है। अब आप उसके इसको फ्रेंड से हाइड करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, इस तरह से क्लिक करेंगे। अगर हाइड नहीं करना चाहते तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर हम फैसलाबाद या लाहौर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, LAHOR, ठीक है, अब देखते हैं लाहौर पाकिस्तान है तो यहाँ पर क्लिक कर दिया हमने, तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट पे आ रहा है तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देना हमने, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप ये किस किस किन किन ग्रुप्स में शेयर करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपने ग्रुप सिलेक्ट कर लेने हैं कौन कौन से ग्रुप्स में शेयर करना चाहते हो, क्योंकि हो सकता है कोई ना कोई ग्रुप, ये देखिए कितने मेंबर्स हैं, कितने मेंबर्स हैं, हर ग्रुप में आपने शेयर करना है ताकि किसी ना किसी को भी पसंद आ जाए तो वो आपसे परचेज कर ले। अब यहाँ पर पब्लिश पे क्लिक करेंगे, आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी लिस्ट पब्लिश हो जाएगी इसी तरह से, हूबहू जिसको भी पसंद आएगी वो आपसे आपके साथ रابطہ करेगा, आपको मैसेज आएगा, जिस तरह से आपको अमूमन मैसेजेस आते हैं जिस तरह से आपको मैसेज रिसीव होगा, ये देखिए हमारी लिस्ट होगी है, ठीक है। तो ये आप मजीद शेयर करना चाहते हैं दोस्तों के साथ तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, अगर लिंक पेस्ट करना चाहते हैं तो लिंक आपने कॉपी करके आपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में लगाना है। अब तीसरा तरीका, एक दूसरा भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ, व्हीकल्स जो होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, वो आपने क्या करना है, जो गैराज होते हैं ऑन ओल्ड सेकंड हैंड गाड़ियाँ होती हैं वहाँ पर जाकर उनसे बात करनी है, उनसे कहना है कि मुझे हमें होलसेल प्राइस बताएं कि मैं ऑनलाइन सेलिंग करता हूँ, ठीक है, उसके साथ फिर इस तरह से आपने करके डील करनी है और जो प्राइस वो बताए उसे 20-25,000 एक्स्ट्रा आपने अमाउंट ऐड करके वहां पर लिस्ट कर देनी है, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज मैं आपको बता दूं, आप अगर आप सियालकोट से हैं या फैसलाबाद से हैं तो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है लाहौर, फैसलाबाद या सियालकोट। अब सियालकोट से है ना तो आप खेल के सामान बेच सकते हो, स्पोर्ट्स आप चीजें बेच सकते हो, आप डायरेक्ट फैक्ट्री में जाएं जो बड़े लेवल पे चीजें प्रोड्यूस करते हैं वहां पर जाएं, उनसे रिक्वेस्ट करें किसी भी तरह लिंक निकाले, वहां से जब आप चीजें मतलब लिस्ट करेंगे तो होलसेल प्राइस पे मिलेगी, बहुत ही कम प्राइस पे मिलेगी। वहां पर आपको एक यूनिट में अगर आप एक बैट भी बेचते हैं ना सेल करते हैं 2,000-2,500 रुपए आपको सुकून से मिलता है, इतना इतनी अच्छी प्राइस मिलती है। और एक फुटबॉल पे वहां पे भी 6,000-8,000 रुपए के फुटबॉल जो मार्केट से आपको मिलते हैं ना, वहां से जो आप लिस्ट करने के लिए जाएंगे तो आपको 3,000-3,500 या 4,000 रुपए में स्टॉक में मिलेगा। तो आप स्टॉक में आपने खरीदना नहीं है बल्कि आपने उनको लिस्ट करना है, जब जैसे ही ऑर्डर आपके पास आता है आपने कंपनी को बताना है कि जी इतने ऑर्डर आए मेरे पास तो लिहाजा इसको फुलफिल करें, तो वो ऑनलाइन डिलीवरी कर देते हैं। अगर आप फैसलाबाद से हैं तो कपड़े की मार्केट वहाँ पे बहुत बड़ी है, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जो बड़े लेवल पर काम करते हैं, ठीक है, फैक्ट्री तो शायद फैक्ट्री अगर आपका लिंक है तो आप यूज़ कर सकते हो, अगर फैक्ट्री नहीं तो बड़ी बड़ी शॉप्स जो होती हैं वहाँ पर जाके जो होलसेल पे बेचते हैं कपड़े, तो वहाँ से जाकर उनके जो अच्छे अच्छे कपड़े हैं ना उनके डिज़ाइन को आप तस्वीरें लेकर आप अपलोड कर दें अपनी फेसबुक की मार्केट प्लेस पर, ठीक है, तो वहाँ पर आपको अच्छी खासी अर्निंग मिलेगी, ठीक है। और उसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता दूं, आपने उनके साथ कांटेक्ट में रहना है, आपने उनको ये बोलना है कि जैसे ही नया डिजाइन आता है तो आपने उसकी डिटेल भी हमें बतानी है, उसकी होलसेल प्राइस भी बतानी है। तो जैसे ही कस्टमर आपने उसके साथ नेगोशिएट, कस्टमर के साथ आपने अपने लिहाज से बातचीत करनी है कि मैं ये चीज़ इतने की बेचना चाहता हूँ। अगर सेलर आपको कहता है ना ये चीज़ मैं 2,500 रुपये में दूंगा, तो आपने उसके साथ कंप्लीट डिस्कस करना है कि सर अब मैं मतलब मार्केट में काम कर रहा हूँ तो वहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत है, अगर आप प्राइस जितनी कम बताएंगे तो कस्टमर्स आपके पास दूर दूर से आएंगे, तो ये आपका ही फायदा। आपने इस तरह से उसको सबल भाग दिखा कर जिस तरह से अमूमन दुकानदार दिखाते हैं, आप दुकान से चीज़ कुछ लेने जाते हैं, आप नेल कटर लेने जाते हैं तो दुकानदार आपको ऐसी कहानी फिट करवाता है, तो आप नेल कटर के साथ साथ और 3-4-5 चीजें खरीद लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज होती है, इस तरह से आपने चीज का डील करना है, और डील करने के बाद
जब आप उसके उसको कहेंगे जैसे कस्टमर आपके पास आता है अपने कस्टमर के साथ भी रابطे में रहना और सेलर के साथ भी कि कस्टमर आप तक पहुंच रहा है। जैसे कस्टमर कहता है कि मैं उनके पास पहुंच गया, तो आपने सेलर को कहना है कि अब इसके इस जो आपने प्राइस बताई इससे जितनी भी एक्स्ट्रा होगी ना वो अमाउंट मुझे आपने सेंड कर देनी इजी जैस का इजी पैसा के जरिए। मैंने खुद इस तरह से अर्निंग किया और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें फ्रॉड प्रूफ बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, तो गाइस होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर वाकई अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस है, एक रुपया भी नहीं आपका लगेगा और आप घर बैठे अगर आप फुल टाइम इसको एफर्ट्स के साथ करते हैं तो आप एक दिन का 25,000 रुपए तक कमा सकते हैं बिना किसी आप कोर्स के, बिना किसी इस तरह की जो होती है कि खपने खपाने से। आप यहाँ पर स्कैम के अलावा, जिनके स्कैम तो बिल्कुल भी नहीं ना होगा, तो स्कैम से हट कर, स्कैम की परेशानी से हट कर आप यहाँ से 20-25,000 रुपए दिन का कमा सकते हो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं एक वीडियो बनाऊंगा। बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट किया कि सर हमारे लिए ऐसी वीडियो बनाए कि हम यूरोप या अमेरिका जाना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारे पास इतने पैसे नहीं है तो हम किस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर जा सकते हैं। तो वो भी मैं आपको कंप्लीट तरीका बताऊंगा किस तरह से आपने मतलब अप्लाई करना वहाँ वीजे के लिए और किस तरह से आपको वहाँ पर जॉब मिलेगी। तो गाइस इस तरह की वीडियोस के लिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना ताकि इस तरह के मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।